नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। बदलते मौसम की वजह से राज्य में कभी धूप और कभी बारिश का चित्र दिखाई दे रहा है। बढ़ती उष्णता व उमस की वजह से कई तरह की मौसमी बीमारियां भी फैल रही हैं। अचानक गर्मी बढ़ने के चलते राज्य में उष्माघात होने का खतरा बना हुआ है। विगत एक माह के दौरान मुंबई में उष्माघात के 72 संदिग्ध मरीज पाए गए। वहीं राज्य के अन्य जिलों में उष्माघात के 357 संदिग्ध मरीज रहने की जानकारी दर्ज हुई, जिसमें सर्वाधिक 46 संदिग्ध मरीज यवतमाल जिले से पाए गए। इस समय अप्रैल का महीना लगभग आधा खत्म हो चुका है, लेकिन हर वर्ष की तुलना में इस बार अब तक तेज तपिश वाली गर्मी कोई खास महसूस नहीं हुई, लेकिन विगत 2-3 दिनों से दोपहर के समय तेज धूप और हवा के गर्म थपेड़े महसूस होने शुरू हुए। साथ ही विगत 24 घंटे के दौरान शहर में अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शनिवार 15 अप्रैल को जिले में बदरीला मौसम रहने के साथ ही कुछ इलाकों में हल्के स्तर की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। वहीं रविवार 16 अप्रैल से आसमान पूरी तरह साफ और खुला रहेगा, जिसके चलते धूप और गर्मी बढ़ेगी और 4-5 दिन बाद शहर से जिले के तापमान में 2-3 डिग्री तक वृद्धि होने का अनुमान है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी व राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है, जिसे लेकर राजनीतिक क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। शिंदे गुट के नेता व विधायक बच्चू कड़ू ने भी राहुल गांधी पर अपनी स्टाइल में प्रहार करते हुए कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के बाद कांग्रेस को लेकर जनसामान्यों पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए था वह प्रभाव तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भी नहीं पड़ा। ऐसे में अगर राहुल गांधी की पदयात्रा का उनके कार्यकर्ताओं पर ही कोई असर नहीं पड़ा तो आम जनता पर इसका क्या परिणाम हुआ, यह सोचा जा सकता है। इसी श्रृंखला में भाजपा के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने ट्विटर के जरिए इस संभावित मुलाकात को लेकर तंज कसते हुए कहा कि एक पप्पू दूसरे पप्पू के घर जाता है तो पप्पू स्क्वेयर होता है। साथ ही सांसद बोंडे ने कहा कि शिवसेना सहित ठाकरे परिवार द्वारा स्वातंत्र्य वीर सावरकर का सम्मान किया जाता है और ठाकरे परिवार के आवास पर सावरकर की प्रतिमा भी लगी हुई है। इसके अलावा मातोश्री बंगले में आज भी बाला साहब ठाकरे का वह सिंहासन भी मौजूद है जिस पर बाला साहब ठाकरे बैठा करते थे। उसी सिंहासन और सावरकर की तस्वीर के सामने उद्धव ठाकरे राहुल गांधी से मिलेंगे। ऐसे में उस समय सावरकर व ठाकरे जैसे महापुरुषों की आत्माएं क्या महसूस करेंगी, यह सोचा जा सकता है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती उपलक्ष्य में समाज कल्याण कार्यालय द्वारा सामाजिक न्याय भवन में गत रोज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने वंचितों के उद्धार हेतु अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ऐसे में वंचितों का सर्वांगीण विकास होने हेतु सामाजिक न्याय की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम घटक तक पहुंचना बेहद जरूरी है, जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी ओर से योगदान देना चाहिए। इस समय सांसद अनिल बोंडे व सांसद नवनीत राणा के हाथों विविध योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सर्व सरकारनी समाजाच्या सर्व स्तरापर्यंत योजना पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला। आता वारे साहेबांनी केदार मॅडमने सांगितलं की आजचा दिवस आपल्याला संकल्प दिवस म्हणून सुद्धा साजरा करायचा। पहा की भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांचं ज्या ज्या स्मृती होत्या त्या त्या जपण्याचं काम निश्चितपणे सरकार करतंय की 5 तीर्थ असतील 5 तीर्थ म्हणून त्याचा विकास करण्याचं काम करतंय किंवा लंडन मधलं घर असलं ते लंडन मधलं घर विकसित घेऊन कोणी बाकीच्या देशामधला एक माणूस असेल तर त्या देशामधला माणूस तिथे जाऊन नतमस्तक होऊ शकला पाहिजे हे पण पाहिलं जात की प्रॉब्लेम ऑफ रुपी म्हणजे काय आणि त्याचे सोल्युशन काय। तेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तो बुक लिहिली होती आणि त्याच्यानंतर 1935 मध्ये त्या गोष्टीला आरबीआय कसं आपण आरबीआय म्हणजे काय आणि आरबीआय आणल्यानंतर रुपीमध्ये कसं सोल्युशन निघू शकते आणि ते 1935 मध्ये असेंब्लीमध्ये येऊन त्यांना आणलं आणि त्याच्यानंतर आरबीआय फॉर्म झाली। मनपा के पूर्व सभागृह नेता व भाजपा नेता तुषार भारती ने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा के नाम एक प्रेम भरी पाती लिखते हुए निवेदन किया कि साईनगर प्रभाग के पूर्व पार्षदों द्वारा मंजूर कराए गए विकास कामों का शेयर लूटने का प्रयास विधायक राणा द्वारा न किया जाए, अन्यथा उन्हें इसका मुंहतोड़ जवाब देने के साथ ही उनकी जगह भी भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं द्वारा दिखा दी जाएगी। बेहद सभ्य भाषा व शालीन शब्दों के साथ लिखे गए इस पत्र में पूर्व पार्षद तुषार भारती ने साफ तौर पर कहा कि रवि राणा विधायक हैं और उनके पास अलग अलग तरह की निधि उपलब्ध होती है, जिससे वे काम प्रस्तावित करने के साथ ही उन कामों वाले स्थान पर अपने नाम के बोर्ड भी लगाते हैं। हालांकि कुछ स्थानों पर केवल बोर्ड ही लगे हुए हैं और कोई काम नहीं हुआ।
ऐसे में विधायक राणा को चाहिए कि वे अपने द्वारा शुरू किए गए कामों को पूरा करने की ओर ध्यान दें तथा दूसरों द्वारा किए जाने वाले कामों का श्रेय लूटने का प्रयास न करें। बडनेरा रेलवे स्टेशन का विस्तार जल्द शुरू होने वाला है। रेल विभाग द्वारा इसके लिए अलग अलग नक्शे बनाए गए हैं, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए आरक्षण व कोच नंबर दर्शाने वाले इंडिकेटर जल्द ही लगाए जाने वाले हैं। इस तरह का यह देश का तीसरा रेलवे स्टेशन होगा। बडनेरा रेलवे स्टेशन के विस्तार व विकास के लिए 80 करोड़ रुपए केंद्र से मंजूर हुए हैं। एक ओर तो बडनेरा रेलवे स्टेशन के विकास व कायापलट की बातें हो रही हैं और अमृतकाल योजना में देश के अग्रणी 30 रेलवे स्थानकों में बडनेरा का नंबर लगने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में बडनेरा से जाने वाले मुसाफिर दो नए दादरों से प्लेटफॉर्म पर जाने में काफ़ी कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ये दोनों नए दादरे और छोर पर बने हैं, साथ ही इनकी लंबाई भी पुरानी दादरी से अधिक होने के कारण वहाँ से सामान लेकर आने जाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इस बारे में स्टेशन अधीक्षक सिन्हा ने बताया कि पुराने ओवरब्रिज की हालत फिलहाल ठीक नहीं है और पब्लिक सेफ्टी के कारण उसे बंद कर दिया गया है। वहीं दोनों नए फुट ओवर ब्रिज को खोल दिया गया है। पुराने ब्रिज वाले स्थान पर आगामी 8 से 9 माह में नया ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। गर्मी का मौसम शुरू होते ही प्रदेश के कई भागों में बदली व बेमौसम बारिश के बावजूद बिजली की खपत करीब 1000 मेगावाट बढ़ जाने की जानकारी महावितरण कंपनी द्वारा दी गई। साथ ही बताया गया कि पिछले दिनों 23000 मेगावाट बिजली सप्लाई का प्रयास किया गया, यह अपने आप में एक कीर्तिमान है। महेश्वरी पंचायत अंतर्गत महेश्वरी नवयुवक मंडल द्वारा महेश्वरी प्रीमियर लीग को मिली शानदार सफलता के बाद आज 15 अप्रैल की सुबह महेश्वरी इंडोर टूर्नामेंट का शानदार व समारोहपूर्वक उद्घाटन किया गया। इस समय सैंड एंड स्टोन के संचालक ऋषि राजेश अग्रवाल के हाथों इस स्पर्धा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर इस आयोजन के प्रायोजक व आयोजकों सहित महेश्वरी पंचायत व महेश्वरी नवयुवक मंडल के पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की संयुक्त प्रशासिका व यूरोप की निदेशिका ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी जयंती दीदी द्वारा अमरावती पहुंचने के बाद यहां पर आयोजित समागम में मार्गदर्शन करते हुए कहा गया कि हमारे शरीर की आत्मा एक ज्योति की तरह है जो निरंतर जलती रहती है, साथ ही किसी न किसी को जीवन दान देकर उसके शरीर को प्रज्वलित करती रहती है। इसी तरह ज्योति निरंकार भगवान शिव स्वरूप की होती है। हमें सुखमय जीवन में प्राप्ति के लिए इन दो बिंदुओं के अलावा तीसरा बिंदु फुल स्टॉप देखना है। हमें सुखमय जीवन में प्राप्ति के लिए इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। संगम जोड़ेंगे आपके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियाँ आएंगी जिससे सर्कल जो आज के समय गुणों की आवश्यकता है, शांति की, आध्यात्मिक शक्ति की, पवित्रता की और फिर से जागृति हो सकती है। संदेश भानखेड़ा रोड पर जरवार स्थित संत कंवर धाम में अमर शहीद संत कंवरराम साहिब के 138वें जन्मोत्सव निमित्त आयोजित मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर व रक्तदान शिविर में युवाओं सहित समस्त सिंधी समुदाय के लोग शामिल हुए। विगत 3 दिवसीय स्वास्थ्य जांच शिविर का बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने लाभ उठाया, साथ ही रक्तदान शिविर में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान किया। बूटी प्लॉट स्थित श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष पद पर सन 2023 से 2025 हेतु सरदार तेजेंद्र सिंह उबेजा को सर्वसम्मति से चुना गया। गतरो 14 अप्रैल को खालसा साधना दिवस व वैशाखी पर्व के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के नए अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह उबेजा का सरोपा देकर सत्कार किया गया। मराठा समाज से अधिक युवाओं को स्वयं रोजगार व उद्योग क्षेत्र में सक्रिय होने हेतु प्रेरित करने के लिए स्थापित की गई मराठा उद्योजक विकास व मार्गदर्शन संस्था का पहला राज्य स्तरीय अधिवेशन विगत दिनों नाशिक में संपन्न हुआ, जिसमें अमरावती जिला मराठा उद्योजक कक्ष को समूचे राज्य में सर्वोत्कृष्ट घोषित करते हुए कक्ष के जिलाध्यक्ष नीलेश ठाकरे व जिला सचिव सारंग राउत को गणमान्यों के हाथों सम्मानित किया गया। आगामी रमजान ईद के पर्व को देखते हुए जवाहर गेट से टांगा पड़ाव के बीच वाली सड़क पर हर साल की तरह इस वर्ष भी मीना बाजार लगाया जा रहा है, जो आज 15 अप्रैल से आगामी 22 अप्रैल तक चलेगा। ऐसे में आज सुबह इस सड़क से दोनों ओर का यातायात बंद कर दिया गया, साथ ही सड़क पर विभिन्न वस्तुओं की दुकानें लगनी शुरू हो गई। आज मीना बाजार का पहला ही दिन रहा, ऐसे में यहां पर दुकान लगाने व दुकान सजाने की गहमागहमी चल रही थी। वहीं कल 16 अप्रैल से मीना बाजार में ग्राहकी का दौर शुरू होगा। अपने बेटे, बहन, दामाद व भांजी सहित बहन के बुजुर्ग सास ऐसे 5 लोगों की निर्ममतापूर्वक हत्या करने वाले विवेक गुला पालटकर को नागपुर की जिला व सत्र अदालत ने इस जघन्यतम अपराध के लिए सजाए मौत यानी फांसी की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश RS पावस्कर की अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए 5 लोगों की हत्यारे विवेक पालटकर को फांसी की सजा के लिए पात्र माना। चांद्रबाजार तहसील के ब्राह्मणवाड़ा थड़ी में कल शुक्रवार 14 अप्रैल की रात 10 बजे के आसपास दो समुदाय आपस में भिड़ गए, जिनके बीच शाब्दिक विवाद होना शुरू हुआ। पता चला कि ब्राह्मणवाड़ा में शुक्रवार की शाम 6 बजे भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती निमित्त रैली निकाली गई थी, जो वार्ड क्रमांक 1 स्थित एक धार्मिक स्थल के पास पहुंचने पर वहां उपस्थित लोगों ने रैली में शामिल लोगों से बैंड बाजा नहीं बजाने और शोर नहीं करने का निवेदन किया, लेकिन रैली में शामिल लोगों द्वारा इस निवेदन को अनसुना कर दिए जाने के चलते रैली की वापसी के समय दोनों पक्षों के बीच अच्छा खासा विवाद हुआ।
इसके साथ ही नानगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत सवारडी गांव में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती निमित्त निकाली गई रैली में पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद करते हुए 3 लोगों ने रैली में शामिल एक कार्यकर्ता पर हमला करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। नानगांवपेट पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बडनेरा शहर के जूनी बस्ती मालीपुरा परिसर के गजानन कांडलकर नामक व्यक्ति के घर में आज शनिवार की दोपहर 12:30 बजे के दौरान अचानक भीषण आग लगी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। इस आग ने देखते ही देखते भीषण रूप धारण कर लिया। ऐसे में परिसर के नागरिक घटनास्थल की ओर दौड़े और उन्होंने अपने घर से पानी लाकर इस आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं जानकारी मिलते ही अग्निशमन की गाड़ी तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन मालीपुरा परिसर में सड़कें सखरी रहने के चलते दमकल गाड़ी को घटनास्थल पर पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सरकारी नौकरी का प्रलोभन देकर करीब 286 से ज्यादा लोगों को आर्थिक रूप से ठगने वाले अंतर्राज्यीय रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस गिरोह की एक महिला सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धारणी न्यायालय के समीप जंगल से लकड़ी व बकरी के लिए चारा डालते समय एक 90 वर्षीय वृद्ध महिला को ट्रिपल सीट मोटरसाइकिल चालकों ने जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटना को अंजाम देने वाले बाइक सवार घायल महिला को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के सती तालाब में एक युवक की लाश दिखाई दी। रेस्क्यू दल की सहायता से लाश को बाहर निकालने के बाद उसकी शिनाख्त चांदनी चौक के हाथीपुरा परिसर में रहने वाले 23 वर्षीय शेख रिजवान उर्फ अज्जू शेख मंदान के तौर पर की गई, लेकिन सती तालाब के निकट दरगाह के पास फूल बेचने और टाइल्स का काम करने वाले शेख रिजवान की डूबकर मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई, ऐसा आरोप लगाते हुए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और परिजन नाकुरी गेट पुलिस थाने पहुंचे और युवक की लाश पर इन कैमरा पोस्टमार्टम की मांग की गई, जिसे मंजूरी देते हुए पुलिस ने आज सुबह इन कैमरा पोस्टमार्टम करने के बाद युवक का शव उसके परिजनों के हवाले किया। पूरे जिले में कानून व व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी रहने वाले जिला पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल के बंगले में लगा करीब 20 फीट ऊंचा चंदन का पेड़ काटकर अज्ञात चोरों द्वारा चुरा लिया गया, जबकि जिला पुलिस कप्तान के बंगले पर 24 घंटे पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहता है। ऐसे में कड़े बंदोबस्त के बीच में से चंदन का पूरा पेड़ काटकर ले जाने की घटना सामने आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल 2 महिला पुलिस कर्मचारियों सहित 7 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के अंसार नगर वाड़ी परिसर में मामूली बात को लेकर 2 युवक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ गाली गलौज करते हुए चाकू और तलवार से धावा बोला। इस हमले में दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र में 2 माह पहले 11 लाख रुपए के गहने व नगद राशि चोरी होने की घटना उजागर हुई थी। इस मामले में तहकीकात करते हुए पुलिस ने नागपुर से अक्षय पाटिल नामक कुख्यात चोर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसके पास से 3 लाख रुपए के गहने बरामद कर चोरी के मामले का पर्दाफाश किया गया। चिखलदरा में रहने वाले भाकू हीरालाल सावलकर नामक 75 वर्षीय व्यक्ति के घर में आग लग गई। पड़ोस में रहने वाले लोग चीख पुकार कर गांववासियों को जगाने लगे। ऐसे में सभी ने अपने घरों से बर्तन में पानी लेकर आग को बुझाने का प्रयास किया। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा पानी की आपूर्ति की गई और घर में सो रहे भाकू को बाहर निकालकर जान बचाई गई। यह घटना चिखलदरा तहसील के डोमा गांव में तड़के 2 बजे घटित हुई। घटना के समय घर के 8 में से 7 सदस्य गेहूं काटने के लिए बाहर गए हुए थे, इस वजह से सबकी जान बच गई। बुलढाना के साखरखेड़ा में मामूली बात को लेकर 2 युवकों के बीच विवाद हुआ और जमकर हाथापाई हुई। इस मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। यह घटना 23 अप्रैल को घटित हुई थी, जिसके बाद साखरखेड़ा पुलिस ने कल 14 अप्रैल को आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। खामगांव में आईपीएल सट्टे के मुख्य केंद्र पर बुलढाना अपराध शाखा पुलिस के दल ने गुरुवार की रात छापा मारा, जहां पर ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं एक व्यक्ति मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 3,50,000 रुपए का माल बरामद किया है। पहले ही मर चुकी वृद्ध महिला की जगह एक दूसरी महिला को खड़ी कर नकली दस्तावेजों के आधार पर वृद्ध महिला की खेती हड़प ली गई। इस तरह की घटना आज अकोला जिले के तेलहारा तहसील में घटित हुई। इस काम में सहयोग करने पर तेलहारा के द्वयम निबंधक जीजी पावड़े के साथ मुद्रांक विक्रेता व एक ही परिवार के 4 लोगों के खिलाफ हीवरखेड़ पुलिस ने तेलहारा न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। वाशिम जिला अंतर्गत मालेगांव तहसील के रेगांव में शराबी पति से लगातार प्रताड़ित होने के कारण परेशान हुई विवाहित महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों को कुएं में फेंकने के बाद खुद भी कुएं में छलांग लगा ली। इस घटना में दोनों बेटियों की डूबकर मौत हो गई, वहीं उनकी मां को आसपास काम करने वाले लोगों ने कुएं से जिंदा बचा लिया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।